शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। नवरात्र में 9 दिन तक माँ दुर्गा के दिव्य रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्र में इस बार 8 दिन तक ही पूजा होगी। यह नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर में आज से नवरात्र का मेला शुरू हो गया है। नवरात्र मेले के पहले ही दिन सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़ी हुई है। हर तरफ भक्त जयकारा लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर दूर से भक्त माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं। सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सुबह से अब तक 1 लाख के करीब दर्शनार्थी माँ के दर्शन कर चुके हैं। विंध्याचल में नवरात्रि मेले के दौरान माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भोर में मंगला आरती के बाद शरदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। जैसे ही आरती के बाद मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन के लिए खोले गए, भारी संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ मंदिर पर लाइन लगाकर माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जयकारे लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह की तरफ जाने लगी। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से दर्शन करने के लिए लोग भारी मात्रा में पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला क्षेत्र को 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटा है। यहां पे 1000 से लगभग सुरक्षा कर्मी तैनात रहे हैं। जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में ड्रोन तथा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह का कहना है कि मंदिर के दर्शन पूजन के लिए कम से कम समय लगे, इसके लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी जी कुमारी, कहाँ से आप आए हुए? बिहार से आए हुए हैं। क्या माँ के आस्था कब से आ रहे हैं? क्या आस्था? माँ के पास आस्था लेकर के बहुत हमारे साथ बहुत संकट आते रहता था, ठीक है। आने से बहुत दूर हुआ है, ठीक है। अब ये बताना मुश्किल है क्या क्या दूर हुआ क्या नहीं हुआ। माँ के पास आने से बहुत बहुत सुखी महसूस करते हैं। नवरात्र में विशेष फल मिलता है बहुत। हाँ, नवरात्र में विशेष फल मिलता है। आने के बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं लगता है, लगता है कि स्वर्ग में आए हुए हैं। नवरात्र में माँ का विशेष महत्व होता है, इसलिए कि नौ दिन माँ का ही दिन होता है, इसलिए लोग आते हैं नवरात्रि में, आते हैं दर्शन करने के लिए अपने अपने से श्रद्धा से और कुछ ना कुछ मनोकामना मांगने के लिए। विश्वास है माँ पूरा करती है सब। एकदम विश्वास है, हम लोगों माँ के प्रति पूरा अपार विश्वास है। और माँ है एकदम बच्चों को ध्यान से रखती है और सारा मनोकामना पूरा करती है, किसी की कोई कमी नहीं होने देती।